नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। और थाना गोहलपुर में बीती रात लगभग 1:30 बजे रीना राज सोनकर उम्र 35 वर्ष निवासी धनवंतरी नगर थाना संजीवनी नगर दो लोगों के साथ नेहा ठाकुर को पकड़ कर लाई एवं लिखित शिकायत की। रोमा चटर्जी हॉस्पिटल के सामने यादव कॉलोनी थाना मदन महल स्थित विराट सर्विसेज के नाम से ऑफिस में आए। ICICI बैंक से होम लोन दिलाने का काम करती है। लगभग 3 माह पहले नेहा ठाकुर निवासी महाराजपुर मंडला की उसके पास आकर बताई कि वे ICICI बैंक से लोन दिलाने का काम करती है। उसके पास बैठने के लिए ऑफिस नहीं है एवं उसके ऑफिस में बैठने के लिए जगह मांगी तो उसने अपने ऑफिस में नेहा ठाकुर को बैठने के लिए जगह दे दी। नेहा ठाकुर उसके ऑफिस में 1 माह तक लोन दिलाने का काम की और उसे बिना बताए ऑफिस छोड़कर चली गई। नेहा ठाकुर के जाने के 1 सप्ताह बाद उसके पास लगभग 10 लोग आए और बताए कि आपके ऑफिस में बैठने वाली नेहा ठाकुर ने हम लोगों की आईडी आधार कार्ड लगाकर फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके 50,000 रुपये का लोन ले लिया है और लोन के पैसे हम लोगों को नहीं दिए हैं, जिनमें से आनंद कुमार सोनी के नाम से 50,000 रुपये, संध्या सोनकर के नाम से 33,000 रुपये तथा अन्य कई लोगों के साथ लोन पास कराकर रुपये हड़प्त हुए धोखाधड़ी की है। उसने ICICI बैंक जाकर बैंक मैनेजर से संपर्क कर नेहा ठाकुर के संबंध में पता किया तो बैंक के द्वारा बताया गया कि नेहा ठाकुर के नाम से ICICI बैंक में कोई महिला काम नहीं करती है। नेहा ठाकुर ने फर्जी आईडी का उपयोग कर धोखाधड़ी की है। नेहा ठाकुर की तलाश कर रही है जो दिनांक 25/8/2022 को नरदहिया में मिली, तो नेहा ठाकुर को आनंद कुमार सोनी एवं संध्या सोनकर के साथ पकड़कर थाना लेकर आई हूँ। नेहा ठाकुर ने बेईमानी तरीके से धोखाधड़ी कर लोगों के दस्तावेजों का उपयोग कर फर्जी तरीके से लोन पास कराकर रुपये हड़पते हुए धोखाधड़ी की है। शिकायत पर आरोपी नेहा ठाकुर निवासी महाराजपुर मंडला के विरोध धारा 419-420 भादी का अपराध पंजीबद्ध का घटनास्थल थाना मदन महल का होने से डायरी अग्रिम विवेचना हेतु थाना मदन महल स्थानांतरित की गई है। वही थाना मदन महल अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर असल नंबर अपराध पंजीबद्ध कर नेहा ठाकुर उम्र 23 वर्ष महाराजपुर मंडला को अभिरक्षा में लेते हुए पूछताछ करते हुए नेहा ठाकुर से बैंक आईडी, लोगों के आधार कार्ड एवं पासबुक तथा अन्य दस्तावेज जब्त करते हुए प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। नाम नेहा ठाकुर है और 1 महीने तक बैठी मेरे यहाँ, उसके बाद अचानक चली गई, ढूंढा भी काफ़ी नहीं मिली। फिर कस्टमर आने लगे मेरे ऑफिस में, मेरा ऑफिस यादव कॉलोनी रोमा चटर्जी के सामने है। पता चला उसने कम से कम 10 से 12 मेंबरों के नाम से 50,000 रुपये निकाल लिया लोन की आईडी से, किसी के नाम से गोल्ड उठा लिया, किसी के नाम से मोबाइल उठा लिया, ऐसे धोखाधड़ी किया उस महिला ने। जब हम उसके बारे में छानबीन किया तो उसका नाम नूतन ठाकुर भी है, नेहा ठाकुर भी है, नेहा जैन भी है। मैं बताती है मैं मंडला महाराज की है। फिर ये सब घटना घटी तो फिर हम लोग सब लोग थाने आए, जितने मेंबर हैं सब लोग मिलकर। तो आपने काम में रखने के पहले जांच नहीं की थी? उसने अपन आधार कार्ड से ही देख सकते हैं, आधार कार्ड उसने दिया था, जब आधार नंबर से वेरीफाई किया तो मंडला महाराजपुर का ही था वो। कितने लोगों के साथ धोखा देखा? अभी फिलहाल तो 12 लोग हैं, अब आगे देखो कितने लोग आते हैं। मेरे ऑफिस में तो 12 लोगों के साथ किया है। यहाँ थाने में क्या जानकारी है? थाने में जितनी एविडेंस थे वो लिया है और मामला दर्ज कर रहे हैं। जाँच चल रही है? हाँ, जाँच चल रही है। आपका नाम? मेरा नाम मीना राज सोनकर, होम लोन का काम करती हूँ लोमा चटर्जी के सामने। उनके यहाँ एक नूतन ठाकुर, नेहा नूतन ठाकुर नाम की लड़की काम करती थी, उसके द्वारा उनके एड्रेस का अनुचित लाभ लेकर के लोगों से धोखाधड़ी करते हुए उनकी आईडियाँ लेकर के उनके नाम पे पैसे मोबाइल निकलवाए गए हैं और उनको मोबाइल और पैसे प्रोवाइड नहीं कराए गए हैं। इस संबंध में लोगों के द्वारा उसकी तलाश करने पर थाना गोहलपुर में ले जाकर कार्रवाई हेतु आवेदन दिया है, उसके आधार पर थाना मदन महल ट्रांसफर हुआ है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो अकेली है कि? अकेली है ये, अकेली है ये। कब से कर रहे हैं सर ये? अभी इन लोगों ने बताया 2-2.5 महीने से, जब वहाँ काम मिलता है, वहाँ पर काम पर लग गई है यहाँ से, यहाँ तो जब नूतन यहाँ वहाँ पे काम पे लग गई तो उनने रीना राज के यहाँ, तब इनने वहाँ से लोगों से संपर्क में आ गई। अब फिर लोगों से सीधे संपर्क करके ऑफिस के नाम से फाइनेंस करना शुरू कर दिया। अब लोग रीना राज को ढूंढ रहे हैं कि आपके यहाँ से फाइनेंस हुआ, हमको पैसे नहीं मिले, हमको मोबाइल नहीं मिला और
धोखाधड़ी हो गई मेरे साथ। रीना राज ने उनकी क्लास पता साझी किया, उनके पास एड्रेस वगैरह था, उनको मिली, उसके साथ वो गोहल पर थाने गए और गोहल पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए। अभी जो मामला थाना है इनमें कितने लोग हैं ये जिनके? अब ये तो अभी फ्रंट में तो अभी 5-6 लोग आए हैं, लेकिन इसमें कम से कम 20-25 लोगों के आने की संभावना और है। इनका नाम क्या है? किसका? आपका है? आपका ऐसी खबर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।